छत्तीसगढ़ में रही के अगर लेड़गा बरी नी खाए तो का खाए। आज हमन लेड़गा बरी बनाने वाला हन, जेला ही पोंगा बरी और ढेठा बरी तको की थे। सब अलग अलग नाम से चिन्हते जानते ला। हमन सबसे पहली ये जिमी कांदा का तना है, ये जिमी कांदा की पोंगा हरे, इला हमन काट लेबो। जिमी कांदा इसको सूरन ओल के नाम से जाना जाता है। हमार घर में है तो हमन इला काट लेथन, और जेकर घर नहीं है तेमन हाँ खरीद के ले आऊ मिली ता भाई। अब हम लोग इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हमन इला नान नान पीस में काट लेबो। एकर बाद हमन इला छील लेबो चाकू से, मिठासियस भी छील सकत रहें, बाकी चाकू छीलबो कहा। अब हम इसे छील लेंगे। सबको हमें ऐसे ही छील लेना है। अब हम इसे पीस लेंगे छीलने के बाद, या इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। अब हम एक छन्नी लेंगे, उसमें हम एक कपड़ा रखेंगे, उसके बाद हम सारे करी को इसमें रख देंगे। उसके बाद इसे बांध कर छन्नी के ऊपर, फिर इसके ऊपर हम सिल लोढ़ा रखेंगे, इससे इसका पूरा पानी निकल जाएगा। इसे रात भर हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम उड़द की दाल भिगाएंगे, इसे हम रात भर भीगने देंगे, फिर सुबह इसे हम धोकर इसे पीस लेंगे। इसे आप मिक्सी में या सिलबट्टे में पीस सकते हैं। अब हम करी और उड़द की दाल को मिक्स करेंगे। इसमें हम जीरा ऐड करेंगे, तो जीरा को हमने धो लिया है, धोने के बाद इसमें मिलाएंगे। इसमें सिर्फ हम जीरा ऐड करेंगे और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसमें नमक नहीं डालते हैं। अब हम करी को इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जितना करी होगा उतना ही हम डाल लेंगे। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम एक पर्रा लेंगे, उसमें हम एक कपड़ा बिछाएंगे, कपड़े के ऊपर थोड़ा सा पानी छीट लेंगे, या तो कपड़े को हल्का सा गीला कर लेंगे। उसके बाद हम हाथों की सहायता से जैसा वीडियो में दिखा रहे हैं वैसे ही गोल गोल आकार में बड़ी को बनाएंगे। तो हमारी जिमी कांदा की बड़ी बनकर तैयार है। इसे हम जब तक यह पूर्ण रूप से सूख न जाए तब तक इसे हम सुखाएंगे। फिर उसके बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे। इसे साल भर स्टोर किया जा सकता है। लेड़गा परी बनके तैयार है। कैसे लगी ये वीडियो हा, कमेंट करके जरूर बताऊँ। हमार चैनल में नया हो तो हमार चैनल ला जरूर सब्सक्राइब करूँ। हमार इंस्टा आईडी है छत्तीसगढ़ का जायका, उमें हमला जरूर फॉलो करूँ।